हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। सो इस वीडियो में बैटमैन फ्लैश द बटन नाम की कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो डीसी रिवर्थ के बाद सीधा कंटिन्यू होती है। इसकी स्टोरी वहीं से शुरू होती है जब बैटमैन को बैटकेव में एक स्माइली बटन मिला था। इस स्माइली बटन का क्या मतलब है, इसकी क्या मिस्ट्री है, यही स्टोरी इस कॉमिक में कंटिन्यू होने वाली है। ये कॉमिक स्टोरी डीसी की खतरनाक कॉमिक डूम्सडे क्लॉक से कनेक्ट होने वाली है, तो इस स्टोरी को आखिरी तक जरूर देखना। खैर, आप लोगों ने अगर डीसी रिवर्थ के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इसके बाद वो जरूर देख लेना, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बैटमैन फ्लैश द बटन पार्ट 1, मिस्ट्री ऑफ द स्माइली बटन। बैटमैन फ्लैश द बटन कॉमिक का पार्ट 1 शुरू होता है। हम देखते हैं बैटकेव में बैटमैन उस स्माइली बटन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है। सो ये स्माइली बटन उसे बैटकेव से मिला था जब वॉली वेस्ट यहाँ पर बैटमैन से हेल्प मांगने के लिए आया था। लेकिन जब वो स्माइली बटन बैटमैन के हाथ से गिरकर साइको पायरेट के मास्क से इंटरेक्ट करता है, तब वो स्माइली बटन साइको पायरेट के मास्क से रिएक्शन करने लगता है और उससे एक लाइटनिंग निकलकर बैटमैन से टकरा जाती है और बैटमैन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और कुछ देर के बाद जब बैटमैन को होश आता है, तब उसे अपने सामने फ्लैश पॉइंट के बैटमैन दिखने लगते हैं, जो कि उसके फादर थॉमस वेन होते हैं। लेकिन तुरंत ही थॉमस वेन उसके सामने से गायब हो जाते हैं। यहाँ हम समझ सकते हैं कि स्माइली बटन से फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन का कुछ कनेक्शन बन चुका है, इसीलिए बैटमैन फ्लैश को यहाँ पर बुलाने लगता है कि स्माइली बटन का फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन से कुछ कनेक्शन है और शायद स्पीड फोर्स में किसी तरह का एक होल हो चुका है। वहीं दूसरी ओर फ्लैश जो कुछ समुराई इन्वेशन टाइप के विलन से फाइट कर रहा होता है, इसीलिए फ्लैश बैटमैन से कहता है कि वो अभी कुछ विलन से फाइट करने में बिजी है। लगभग वो एक मिनट के बाद बैटकेव में बैटमैन की हेल्प करने के लिए पहुंच जाएगा। बैटकेव में बैटमैन उस स्माइली बटन को फिर से देखने लगता है, तभी अचानक से यहाँ पर रिवर्स फ्लैश की एंट्री होती है और वो बैटमैन को बुरी तरह से मारने लगता है। बैटमैन को मारते हुए रिवर्स फ्लैश बताता है कि उसे कुछ और समय के लिए मरा होना चाहिए था, लेकिन एक अननोन पावरफुल एंटिटी ने मुझे जगा दिया और यहाँ भेज दिया। बैटमैन जो यहाँ फ्लैश के आने का वेट कर रहा होता है, जो कि कुछ एक मिनट के बाद आने वाला होता है, लेकिन तब तक बैटमैन को किसी तरह से रिवर्स फ्लैश से फाइट करनी ही पड़ती है, जिसके बाद रिवर्स फ्लैश उसे पंची पंच मारने लगता है। 47 सेकंड, 46 सेकंड, 45 सेकंड, इसी तरह से टाइमर चल रहा होता है फ्लैश के आने के लिए। यहाँ जब फ्लैश के आने के 40 सेकंड बचे होते हैं, तब तक रिवर्स फ्लैश बैटमैन को मार मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है, जिसके बाद रिवर्स फ्लैश थॉमस वेन के लेटर को पढ़ता है और बैटमैन के आंखों के सामने वो थॉमस वेन के लेटर को फाड़ देता है। बैटमैन उससे कहता है कि मेरी बैटकेव से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, जिस पर रिवर्स फ्लैश उससे कहता है, अगर मैं नहीं गया तो तुम क्या ही कर लोगे, तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते। लेकिन नीचे पड़ा हुआ बैटमैन उसके पैरों में एक बैटरिंग ब्लेड घुसा देता है, जिसके बाद बैटमैन उसे बुरी तरह से धोने लगता है। लेकिन रिवर्स फ्लैश की एक थंडर क्लैप से बैटमैन दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद रिवर्स फ्लैश बैटरिंग से पैर निकालते हुए कहता है कि तुम जानते हो तुम मुझसे जीत नहीं सकते, जिसके बाद रिवर्स फ्लैश बैटमैन को मार मार के उसका भरता बनाने लगता है। बैटमैन यहाँ पर एक मिनट से फाइट कर रहा होता है, लेकिन फ्लैश हमेशा की तरह से यहाँ पर नहीं पहुँचता, वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसीलिए बैटमैन रिवर्स फ्लैश को सरकैज़म मारते हुए कहता है कि फ्लैश तुम हमेशा की तरह लेट हो गए। खैर, ये सुनते ही रिवर्स फ्लैश उसे एक जबरदस्त पंच मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है, जिसके बाद रिवर्स फ्लैश यहाँ पर पड़े हुए स्माइली बटन को देखने लगता है और वो कहता है कि अब ये क्या है, इसकी क्या मिस्ट्री है। तो जैसे ही रिवर्स फ्लैश उस स्माइली बटन को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, तभी यहाँ पर कुछ ब्लू रेडिएशंस आने लगती हैं, जिससे रिवर्स फ्लैश बुरी तरह से जलने लगता है और उस ब्लू रेडिएशन से जलते हुए वो कहता है, गॉड गॉड, मैंने गॉड को देखा। और इतने में ही रिवर्स फ्लैश ब्लू रेडिएशन से जलकर मर जाता है। इसके बाद जब यहाँ पर फ्लैश बहुत ज्यादा लेट पहुँचता है, तब वो बैटमैन को यहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखता है और रिवर्स फ्लैश बगल में मरा हुआ पड़ा होता है। खैर, यहीं पर इस कॉमिक का पार्ट 1 एंड हो जाता है और अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जो कि काफी खतरनाक होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि बैटमैन फ्लैश के साथ स्पीड फोर्स में ट्रेवल करने वाला है और भी बहुत कुछ। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।